Cobra Post reporter meets Trikam Patel, co-founder of Triams Technologies and State's Purpose Office meeting. Netaji wants an online campaign to artificially boost his popularity. Patel quickly enumerates what he thinks can be easily delivered through social media networking. मार्केटिंग में अभी देखिए हमको सोशल नेटवर्किंग साइट्स कवर करेंगे, ठीक है। एक साइट बनेगी जहाँ पे ये आपने कॉल सेंटर की भी बात की, कॉल सेंटर में भी काम हो जाएगा, जो भी है आपका इश्यूज सभी है जो भी आएंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। कॉल सेंटर का मार्केटिंग भी करेंगे, जो भी है नंबर्स वगैरह ये सब होल्डिंग, और जो भी है ऑनलाइन मार्केटिंग करवाना है गूगल में लेके आना है, पहले गूगल और जो भी सर्च इंजिन है। नॉर्मली क्या है ना, यहाँ के लोग सीधा ऑनलाइन चले जाते हैं कोई भी पॉलिटिकल इशू। हाँ, यहाँ पे तो सब सभी लोग पूरे है ही है पूरा आईटी का, और पूरा मार्केटिंग में पहला बताना है हम लोगों को फेसबुक, बाद में उसमें आ जाएगा और ट्विटर, उसके बाद आ जाएगा पूरे मोबाइल ऐप्स आ जाएंगे, व्हाट्सएप है ये सभी कुछ है, उसमें भी हम लोग पूरा मार्केटिंग करेंगे। और स्पेशली आर्टिकल वाइज आप लोगों से हम लोगों को कितने बंदे मिले, देखिए अभी मेरे डेवलपर जो है वो क्या है ना, रिक्वायरमेंट आपसे लेंगे, एक्चुअली एक्टिविटीज जो आपके चल रही है रेगुलर बेस पे वो हम लोग वहाँ पे भी अपलोड कराएंगे। एक्चुअली अभी क्या है कि यहाँ पे अभी इसी वीक में आपके सामने आ जाएगा, आप तो कर रहे हैं ऑलरेडी, आपने तो बताया भी था कि कर रहे हैं। फायदा उठाना है और हमको और मतलब और हवा बनानी है। Patel tells the reporter that marketing is difficult in Bangalore because of high education levels in the city. This, he says, is quite unlike Gujarat where people are vulnerable as well as idle. मैं जानता हूँ लोगों को क्या है ना, थोड़ा superstitious ज़्यादा है। उन लोगों को क्या है, पागल बनाना बहुत आसान है। He dismisses the entire population of the state as readily available for being easily swayed into liking and forwarding messages. Their addiction to social media makes for easy marketing in the state. फेसबुक में मोदी का कितने कार्टून्स वगैरह ये सब कुछ करता है, कार्टून्स रहता है, उनके आर्टिकल अच्छी तरीके से लिखे जाते हैं ताकि उसका प्रमोशन। ये क्या है, गुजरात की पब्लिक क्या है, बहुत बोली पब्लिक, उनको कुछ भी आप बोलो ना, यहाँ पे भूत है बोल दिया तो उसको कुछ मान लेते हैं। तो आप भी तो गुजरात में वहाँ पे मार्केटिंग में बोल रहे हैं ना, अभी बोल रहे हैं। मैं वैसे यहाँ पे रहता हूँ, मेरा आई टी स्टेयर है, लेकिन मैं जानता हूँ इन लोगों को क्या है ना, थोड़ा सुपरस्टिशियस ज़्यादा है। उन लोगों को क्या है, पागल बनाना बहुत आसान है, और स्पेसिफिकली यहाँ के लोग जो बहुत पढ़े लिखे हैं, मतलब यहाँ पे मेहनत बहुत करनी पड़ती है, ऐसे ही कुछ चीज़ को मानते नहीं है उनको। बैंगलोर में, बैंगलोर में बोलिए सर, यहाँ पे तो एजुकेशन तो पूरा ओवर एंड आउट, और मार्केटिंग में इतना मेहनत तो बहुत ही लगता है वहाँ का, गुजरात का तो मैं बोलता हूँ आपको, पटना जो भी आप ये करते हैं ना, लोगों को ये भी पता ना, और इतने लोग फ्री है वहाँ पे। व्हाट्सएप में तो आप देखिए उनको सिर्फ फॉरवर्ड करना लाइक करना यही आता है, और कुछ नहीं है, वो ऑटोमेटिकली मार्केटिंग वहाँ पे हो। काफ़ी लिंक्स आप बोल नहीं सकते, लाइक्स को बटन मत दबाना, कितने लोगों ने उसको ये सब कुछ किया, जो भी आता है पहले लाइक दबा देते हैं। हाँ वो तो पहले हम लोगों को कितना प्रमोशन देते हैं, लेकिन यहाँ पे अलग चीज़ है। नहीं तो अभी जो आप कर रहे हैं तो आप तो मोदी जी के लिए कर रहे हैं। दूसरे कोई एक चार पांच लोग और होंगे सभी के साथ लाइव, जैसे कि मोदी जी ने बीच में किया था लाइव पहले क्या है ना, हम लोग 50% प्रमोशन कर सकते हैं, बाकी 50% अपना जो नेता है वो कैसा है वो इम्पोर्टेंट है। मोदी का भाषण आप सुनिएगा लोग पागल हो जाते हैं, तो हम कर उसका प्रमोशन हम लोगों ने इतना ये कर दिया था, आप इंडिविजुअली उनका ये लेके हमको वीडियो भी, एक भाषण का वीडियो वगैरह क्या है ना। Patel tells the reporter how the entire state of Gujarat succumbed to Narendra Modi's promotion. He says, "Modi ka bhashan aap suniyega, log pagal ho jate hain."
उसका प्रमोशन हम लोगों ने इतना कर दिया है. He knows because he is directly responsible for Modi's campaign. The reporter tells him to adopt the same strategy for his fictitious Netaji and Patel presents a proposition. Patel says he will open multiple offices to target different social media platforms. Those employed for this activity will get a carrot, a certain amount of cash for a certain number of forwards. In his words, initially अपना जो भी बंदा है हम लोग जिनसे जैसे Facebook मैंने आपको इतने forward कर दिए, आपने इतने fans को forward किए, then इतना पैसा, खत्म. समझ रहे हैं? पहले promotion तो ऐसे ही करना पड़ता है. Bear in mind that the reporter has asked Patel to employ the same methods for his Netaji as he had done for Narendra Modi. Patel says it is all a matter of numbers. The more the number of subscribers, more popular our Netaji will appear. And so he will make a Facebook page and market the page heavily. He will then include every other social networking platform known to exist. Patel tells his client how there is a firm and confidential internal network he has in place to fabricate an individual's online popularity. He says, "Ye pura confidential rahega." Well, Patel is engineering fake popularity. Of course, it will be kept confidential. When the inquisitive reporter inquires about his clients, Patel lists out his elite clientele. Sure enough, some names stand out, and further piques our reporter's curiosity. ट्रैवल्स 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 उसका
अभी आप देख रहे हैं पूरा वहाँ पे भी मंत्रीगिरी कर रहा है जो है बाद में नरेंद्र मोदी का थर्ड पार्टी कॉन्फ्रेंस है और पॉलिटिकल्स में आपको चाहिए तो अभी आठ अलग देशों में अलग अलग चीज़ें चल रही है इसमें खाते निश्चित बनाता है और ये जो फेसबुक का शो चैनल है इसमें अभी आप देख रहे हैं आपने फेसबुक कभी एक आध बार देखा दोस्त के साथ बैठे क्या बताओ बताओ Our reporter is now most interested in Patel, all by virtue of this single client in his portfolio. Patel now gives an insight into his trade. Have you ever visited a cyber cafe and seen young men and women busy working away for long hours at a stretch? Have you ever wondered who they are and what they do? Dear viewers, this is the moment of truth. Patel tells the reporter that one of his strategies is to target the cyber centers strewn all around, where people are hired on an hourly basis. Their job is to generate a fixed number of likes on a certain page in an hour. He requests the reporter to keep this information confidential, since it is capable of generating public disillusionment with the election process. कहीं न्यूज़ चैनल को पता चल गया कि भाई ये लोग मंत्री लोग जबरदस्ती ऐसे मार्केटिंग करता है तो लोगों का दिल उतर जाता है देयर इज अ रीजन फॉर दिस सिनिसिज्म टुवर्ड्स पॉलिटिशियंस एंड पटेल हैज जस्ट गिवन अ रीजन एंड फ्यूल्ड इट एंड व्हाट माइट बी द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज स्पेंट ऑन आई वॉशिंग द मासेस Patel sets a price of 3 whopping crore rupees and then some more. After all, we are employing the best minds from the IT capital of the country. Patel explains how he benefits from the IT environment in Bangalore. कुछ काम नहीं होता काम कर रहे हैं
सर्कल ही रहता है, हम लोग उसको खुला बोल देते हैं भाई आपने लॉगिन से आई डी करो और किसी को। और मतलब एक बंदी ने अगर 1,000 बनाई आई डी 15 दिन के अंदर, एक महीने में आपने अगर ऐसे 10,000 आदमी को हायर कर लिया, बहुत बढ़िया है। अच्छा वो जॉब पे भी नहीं है और पैसा भी, मतलब ये कि हमारे लिए काम कर रहे हैं, वो रात में कर लो दिन में कर लो, कभी भी कर सकते हैं। और ये चीज़ें अंदर अंदर, अभी मैंने बोला कि कनाडा में है, यूके में, मेरा खुद का नहीं है। Patel says that the employees from the major IT companies in Bangalore are available for his work. He says he reaches him through strategic meetings and invites subscriptions for his service. Being a subscription service, they use their own IDs and find their own space to work, and this keeps him totally insulated from those IT folks. Patel says, "Hum log unko khula bol dete hain, bhai apna apna login se add karo aur ye karo, karte jao." It is clear that Patel is not making empty claims. In a technologically charged environment that Bangalore offers, Arman Patel has an army of people at his disposal. These include software developers, database managers, graphic designers, cartoonists, and animation experts. So Patel will not be able to get the same cartoonists and designers signed on for Modi's campaign to work for our Netaji. However, he assures him that they will be available to advise the new team that will be set up for our Netaji's campaign. How will Patel handle the negative comments posted about our Netaji? Well, block it of course. Patel informs our awestruck reporter that all online content is filtered. It is published only after it is approved by the site administrator and all negative content is blocked. In his words, "Hum log usko seedha mail bhej dete hain ki your content is invalid." Cobra Post reporter inquires if Patel can organize some people to register some complaints against the incumbent on an online call center. Patel mentions NGOs looking after welfare of blind children.
बच्चों को क्या है ना उनके माँ बाप वहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं। अरे भाई वहाँ पे लोगों के लिए सेपरेट बना हुआ और कम से कम वहाँ पे लगभग 200-250 का एक वहाँ पे चला जाता है, उनको पूरा दिन का खाना ना खिलाता हूँ। वो तो बात सही है, लेकिन ये बताओ ये वो वाली ये संस्था हमारे लिए बच्चों वाली हमारे लिए काम क्यों करेगी? ये तो हमें दूसरी संस्था किसको पढ़ा उनको काम कौन करते हैं और बस उनका नाम लेना है, काम तो हम ही करेंगे। अच्छा पैसा हम देंगे लेकिन वो आम के कहेंगे कि नहीं नाम के लिए हम लोग आएंगे वहाँ पे डोनेशन के आएंगे वो नाम के लिए नाम के लिए खाली नाम के लिए नाम के लिए होगा कुछ नहीं वो लोग बाकी कुछ नहीं करते करना तो सब हम ही बस उनका अभी देखिए आपका ही कपड़े है सिर्फ उनका नाम ले रहा हूँ बस बस दुनिया को बताने के लिए कि ये कंपनी लेकिन काम तो कोई नेताजी कर रहा है नेताजी दे रहे हैं लेकिन ये जो कंप्लेंट्स ये करेगी ना उसको हाँ कंप्लेंट जब उसके अगेंस्ट में करेगी तो बहुत असर पड़ेगा कि यार इन बच्चों ने देखो इतने सारे इनके बच्चों ने इनकी कंप्लेंट करी है नेताजी खिलाफ। अच्छा So the NGOs will not work for Netaji directly. The profile of the NGO will be used to register complaints against the incumbent. The actual work will be done by Patel's team, but the name will be that of the NGO. उनका नाम देना है, काम हम ही करेंगे। अपने काम के लिए हम लोग वहाँ पर donation दे रहे हैं। Using names of the blind to register online complaints? Can online campaign strategy ever be more effective or more insensitive? The fraud does not end here. Patel is another dummy company set up for audit purposes. He will make ads under the banner of that company to create negative videos for the Netaji. That's two-fanged approach. It serves the purpose of Netaji's publicity and saves him hassle from the taxman. यहाँ पे क्या रहता है ना? ये कमाई के लिए मैंने किया। तो यहाँ पे ये चीज दब जाएगी। आपका नाम भी नहीं आएगा, नेताजी का नाम भी नहीं आएगा। और मुझे दिखाने के लिए ये भी हो जाएगा कि मैंने इसके लिए ये काम किया है। That's not all. He will also employ some people capable of twisted thinking. आप उसके बारे में जब गलत लिखा जाएगा प्रचार होगा उसके बारे में कि चोरी उचक्का है तो वो टीम करेगी जो टीम हमारी पॉजिटिव वाली से अलग है, समझ लो ना, समझ गए ना मेरी बात आप, वो कंपनी अलग है वो लोग अलग हैं, वो बिल्कुल वो सेपरेट नहीं मिलेंगे एक दूसरे से, समझ गए ना, वो बारे में उसके लिखेगी यार अगर चोर है उचक्का है ये साला है, देखो साले ने अभी लड़की के साथ में ये करा है, देखो इसकी पुरानी हिस्ट्री क्या है, मतलब जो भी उल्टा सीधा वो टीम अलग वो टीम अलग रहेगी वो उसके लिए क्या है ना शैतान दिमाग चाहिए, हाँ वो थोड़े ऐसे गुंडागर्दी लोग रहते हैं ना वही करता है, ये जो इसके जो डिटेक्टिव एजेंसीज है उनको काफी दोस्तों को भी जानता हूँ, वहाँ पे उनकी मैंने मेरे क्लाइंट्स है वेबसाइट्स वगैरह मैंने बनाए उनको मैं अप्रोच करके एक दो बंदे को लगा दूँगा उनको। अच्छा धीरे धीरे से उनका क्या सब्जेक्ट है कहाँ पे जाते हैं कहाँ पे आते हैं उनके पर्सनल रिलेशंस कौन है क्या है पूरी जो भी जानकारी हम लोगों को देते हैं वो पूरा हम लोग डेटाबेस में स्टोर करते हैं। Patel is in contact with a variety of people with varying levels of intelligence and capabilities. He will seek help from those people to excavate negative content about Netaji's opponent and have it broadcast. He says, उसके लिए क्या है ना शैतान का दिमाग होना चाहिए। वो थोड़े ऐसे ही गुंडागर्दी लोग रहते हैं ना, वो ही करते हैं। इसके लिए डिटेक्टिव एजेंसीज है। उनको काफी दोस्तों को भी जानता हूँ।
मेरे क्लाइंट्स हैं, वेबसाइट्स वगैरह मैंने बनाए हुए हैं उनके, उनको मैं अप्रोच करके एक दो बंदों को लगा दूंगा। He adds that it is easier to defame a person on the internet than to promote him. किसी को प्रमोशन करने से किसी को फेंकना बहुत आसान है इंडिया में। उसके नाम को बदनाम करना वो चीज तो हो जाएंगी ना, कमेंट्स वगैरह तो सारी चीज हो जाएंगी। ऑनलाइन का सब ऑनलाइन जूते माले डाल के वाला डाल के हल्के पूरे चीज से इसको प्रमोशन करने से किसी को फेंकना बहुत आसान है। आप ये मत, ये टेंशन ही मत लीजिए, किसी को फेंकना काम आसान है। उसमें तो इतने सारे इंडिया में तो ये लोग पड़े हैं, किसी का घृणा करना, किसी को फेंकना, किसी की टांग लहराना, ये लोग तो यहाँ पे बहुत सारे मिलेगा इंडिया में। ये कहा है इसमें जो लैपटॉप इस्तेमाल करोगे वो नए लैपटॉप इस्तेमाल करोगे या पुराने से करोगे, जो जिसमें घृणा करनी है, जिसकी बुराई करनी है, हमारे पूरे सर्वर्स रहते हैं, नया नया यूज करना। उसमें ना हमारा कनेक्शन नहीं मिलना चाहिए कि नेताजी करवा रहे हैं, हमारे आदमी करा रहे हैं। एक बात बता, पुराना हो नया हो, कनेक्शन आई पी से काम के कर दिया था। ये क्या होता है, आई पी, आई पी रहता है। मैं बोल रहा हूँ ना, मार्केटिंग एक जगह से नहीं होता है, ये मार्केटिंग, ये आई पी क्या चीज़ है। अभी देखिए, मैंने इंटरनेट में एक को, एक को भेजा, ये 10 को भेजेगा, ओके ओके, ये 50 को भेजेगा। आप समझ रहे हैं ना, ऐसे होता है, एक एक ही सिस्टम जो रहेगा, ये फिर हम लोग जो भी बना के थर्ड पार्टी को अपलोड करेंगे, वो अपने ऑफिस से अपलोड नहीं होते। तो बनता यहाँ पे, बनता यहाँ पे, आरबीआई का जो पैसा है बनता एक जगह है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट तो मार्केट कहीं बाहर से आरबीआई से ही होता है, क्योंकि बैंक में से ही होता है। समझ रहे हैं, समझ गए, बनता कहीं है और उसका जो भी है एक्सपोज कहीं और से होगा, और एक ही ठिकाना नहीं रहेगा। एक आर्टिकल आज यहाँ पे उठने से हुआ, एक आर्टिकल बैगैर से होगा, एक आर्टिकल बाद में गुलगरबाज से होगा, दूसरा आर्टिकल वहाँ से होगा। और मैं यहाँ पे बैठ के आपका ये मोबाइल जो है Patel informs the reporter that online marketing will be done from different IP addresses from different geographical areas. Independent of his own location, Patel can monitor all that activity from his mobile phone. He further flaunts his marketing skills through faking a Trojan virus in the website he will build. Online mein to marketing sabhi strategy use kar lunga, jisme kam se kam 50 site aisi banaunga jo Trojan faking. He tells the reporter what the virus can do. Patel says that the Trojan faking software will open the site and populate it with the comments that have already been prepared. In addition, he will increase the likes on the site. Patel tells the reporter that he has no choice but to use malware for his marketing. In his words, "Karna hi padta hai sir." Before discussing anything further, the reporter checks with Patel what exactly he has done for Narendra Modi. Patel rattles off his prized accomplishments. पूरे वीडियो बनाया।
आपको डायरेक्ट मोदी जी ने कोई काम दिया होगा? मोदी जी किसने दिया? नहीं नहीं, वही तो मैं पूछा ना, आपको किसने दिया? बार मिले, अच्छा मिले थे बार, उसके बाद तो बाद में मुझे नरेंद्र ये अपना रवजी भाई करते हैं, उनके असिस्टेंट रवजी भाई, उन्होंने पूरा जो काम संभाला, जैसे आप हैं वैसे पूरा संभाल। लेकिन आपको ये इंटरनेट मुझे बोला कि जरा भैया नहीं, प्राइवेसी अलग है। Patel is a staunch party loyalist. He tells the reporter that he would not have signed on the reporter if he has represented the opposition. अभी आप मोदी के opposition में होते तो मैं नहीं, सीधा बोल रहा हूँ। मैं आपको एक बात बताऊँ, अभी आपका मैंने लिया, अभी ये 6 महीने तक जो भी आपके opposition में है, उसका मैं पूरा वादा देता हूँ, उसका किसी का काम नहीं है। आपके पास में सारे बीजेपी के हैं? मोदी पे आप अपोजिशन में होते तो मैं लेता। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? तो विपक्ष वाले भी पकड़ लेंगे इस तरह ही काम? विपक्ष वाले भी, सॉरी, क्या विपक्ष वाले भी कर रहे हैं? यहाँ पे कम से कम 3% ऑफ आईपी इनकम अभी पॉलिटिक्स वालों की है, सब कुछ 3%। अभी बैंगलोर में जो भी आईपी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 3% की इनकम पूरा है, जो हो रही है पार्टी से हो रही है पॉलिटिकल। तो इसमें जो ज्यादातर रेशो है वो बीजेपी का तो ज्यादा है या कांग्रेस का ज्यादा है? बीजेपी हमारा ही है ना, कोई टेंशन की तो बात नहीं है, कभी हम जो ज्यादा वो आगे निकल जाए, मैं ये कह रहा हूँ, कभी हम पीछे रह जाए ना वो आगे निकल जाए हमारी। It must be a pleasure to have a loyalist working for you. Patel will set up fake companies, create an artificial fan following, generate fake comments and organize gangsters and detectives to dig out material to tarnish the image of your opponent. He will also dive with cyber centers and the best brains from the highly acclaimed IT companies in Bangalore for the purpose. He will also convert his acts of charity into a business opportunity. He will not desist from using blind children to his business advantage. Triumph Technologies has figured innovative means of employing the best creative minds and technical geniuses for marketing its clients. Their means may be unethical or illegal, even deeply revolting at a moral level. As long as there is a business opportunity, Trikam Patel will bend every rule in the book to market your candidate. It is anyone's imagination if any or all of these methods were used for marketing Trikam Patel's star client in Gujarat. थोड़ा हाई लो तो करा दीजिएगा, पूरा लगेगा यार, नहीं तो के पता नहीं क्या इतनी लंबी मीटिंग है।